इस लेसन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन के बारे में बताएंगे। फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दें कि किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी किस्म के टेक्स्ट को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड के ऑप्शन से कर सकते हैं, और अगर उसे रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और वर्ड के साथ तो उसे रिप्लेस के ऑप्शन की मदद से आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है तो सिंपली हम एडिट के मेन्यू पर जाएंगे और ये आपके सामने फाइंड का ऑप्शन मौजूद होगा। यहाँ पर क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो गया है। इसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो कि आप सर्च करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं इज़ लिखता हूँ, इज़ लिखा और फिर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया और ये आपके सामने इज़ हाईलाइट हो चुका है। दोबारा से हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो मिस्टेक के अंदर जो इज़ लिखा आ रहा था वो भी हाईलाइट हो चुका है। फिर फाइंड नेक्स्ट किया हमने तो ये आपको बता रहा है वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, क्योंकि आगे कोई भी इज़ नहीं लिखा आ रहा। तो अगर आप इसको किसी और चीज़ के साथ कन्वर्ट करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो सिंपली ये आपके सामने रिप्लेस का ऑप्शन मौजूद है और ये बता रहा है रिप्लेस विद। अगर हम इसको वाज के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये हमने इस फाइंड आउट किया यहाँ से फाइंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके, और यहाँ पर अगर हम इसको वाज के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, वाज लिख दिया और ये आपके सामने ऑप्शन है रिप्लेस का। अगर आप रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो इज वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये जो इज है मिस्टेक के अंदर ये भी वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसे रिप्लेस में ही रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने वाज में लिखा आ रहा है कंप्यूटर वाज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगर आप मिस्टेक के अंदर वाला इज भी वाज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, लेकिन वो स्पेलिंग मिस्टेक दे देगा क्योंकि वो कोई वर्ड बनेगा ही नहीं। इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जब आप इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको सही तरीके से पता चल सकेगा।